तो गाइस देख लीजिए नेहरू प्लेस में ये दुकान पड़ती है इधर। और आज के इस वीडियो में हम इस दुकान के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें यहाँ पर ग्राफिक कार्ड के प्राइस आकर क्या क्या चल रहे हैं। तो यहाँ पर भैया ने पहले काफ़ी सारे ग्राफिक कार्ड निकाल दिए, तो आज के इस वीडियो में सारे ग्राफिक कार्ड कवर करेंगे। इनके पास सारे मिल जाएंगे, 3070 मिल जाएगा, 3090 मिल जाएगा, सभी ग्राफिक कार्ड के ऊपर हम प्राइसिंग के ऊपर बात करेंगे। तो प्राइसिंग के ऊपर बात करने से पहले हम यहाँ पर बात करेंगे भैया से। तो भैया क्या नाम है आपका? रोशन। तो रोशन भाई हमें थोड़ा बताओ, मतलब और क्या क्या मिलता है आपके पास? हमारे पास आईटी लाइन का ऑल प्रोडक्ट मिलता है। आईटी लाइन मतलब यहाँ पर माइनिंग सब कुछ, पीसी बिल्ड सब चीज़ हो जाएंगी। तो गाइस देख लो, यहाँ पर पीसी बिल्ड करवाना हो या फिर माइनिंग भैया देखो भाई लोगों, यहाँ पर भैया ने एक और देखो माइनिंग का एक और बनाया है यहाँ पर किसी कस्टमर के लिए। तो अगर कोई भी यहाँ पर माइनिंग के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भैया के पास विजिट कर सकते हैं। नंबर और इस दुकान का एड्रेस और रियल लाइव लोकेशन सब चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। बाकी भैया हमें बता दो, अगर कोई व्यूअर अगर आपको पेमेंट करता है, अगर घर बैठे हो मंगवाना चाहे तो पहुंचा दोगे, कोरियर कर दोगे? हाँ जी। तो और भैया पेमेंट मेथड क्या रहने वाले हैं? ऑल मेथड है हमारे पास, जैसे कि कार्ड हो गया, UPI हो गया, चाहे फोन पे, गूगल पे, NFT, जैसे मर्जी। और भैया कोई अगर आपकी दुकान पे विजिट करना चाहे तो कुछ टाइमिंग या फिर कब बंद रहते हैं आपकी शॉप, ये सब बता दो थोड़ा सा। 11 से रात के 7 बजे तक, मतलब सुबह 11 बजे से 7 बजे तक आपकी दुकान खुलती है। और बंद किस दिन रहती है? ओनली संडे। तो गाइस ये देख लो, मतलब बस संडे को बंद रहेगी, बाकी आप 11 से 7 कभी भी इनकी शॉप पर विजिट कर सकते हैं। बस अभी थोड़ी दिक्कत है इवन ऑड के बाद। हाँ इवन ऑड चल रहा है, वरना जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर वही सेम टाइमिंग रहने वाली है। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं यहाँ पर प्राइसिंग के ऊपर। तो गाइस चलिए बात करते हैं यहाँ पर सभी ग्राफिक कार्ड के बारे में, एक एक करके हम ग्राफिक कार्ड के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले यहाँ पर उठाते हैं हम GT 710। तो भैया क्या प्राइस रहने वाली है इसकी? GT 710 की 3750 रुपये, 2GB कार्ड है गाइज। देखो गाइज मैं कोई भी स्पेक्स नहीं बताऊंगा, आप सभी को पता होगा, ग्राफिक कार्ड दिखाऊंगा और प्राइसिंग बताऊंगा सीधा। तो इसके बाद 710 में इनके पास एक और मॉडल है जो कि आता है असूस की तरफ से। तो भैया क्या प्राइस रहने वाली है इसकी? इसकी 4000। तो 4000 का रहने वाला है असूस 710। तो भैया एक चीज़ और बता दो, गारंटी कितनी होने वाली है मतलब सभी कार्ड की? नॉर्मली सब कार्ड की 3 साल होती है, जो जोटेक होती है उसके 5 साल होती है। तो मतलब ऐसे जो जोटेक से जो कार्ड रहेंगे उनके 5 साल के, बाकी असूस हो, MSI हो, गैलेक्स, सबकी 3 साल वारंटी है। तो ठीक है भैया, फिर अब आगे बढ़ते हैं अपने 1050 Ti। तो कितने का रहने वाला है भैया? ये 18000 रुपये का। 18000 रुपये का। सो भैया इनसे छोटे भी कुछ मॉडल आते हैं, जैसे एक आता है 730, क्या प्राइस रहने वाली है उसकी? उसकी 7000 रहने वाली है। 7000। और 1030 जो आता है वो 8000 की रेंज में आता है। 8000। तो गाइज ये देख लीजिए, जो 730 और 1030 का प्राइस हमने बता दिया है। बाकी चलिए अब बढ़ते थोड़े अच्छे कार्ड की तरफ, जो कि है 1650। सो भैया क्या प्राइस रहने वाली है इसकी 1650? 23500। तो गाइज देख लो असूस का है। और गाइज एक चीज़ और बता दो, जो भी हम वीडियो में प्राइसिंग बताएंगे फिक्स नहीं रहेंगे, बाकी भैया से और पूछ लेते। तो भैया प्राइसिंग का क्या सीन है आजकल मार्केट में? पर घंटे मान लो 6 घंटे पे या पर डे में चेंज होता है प्राइसिंग। तो मतलब कोई भी प्राइसिंग फिक्स नहीं है, ये मतलब एक टेम्परेरी प्राइसिंग है, इसके आसपास ही मिलेगा आपको ग्राफिक कार्ड। कब ये मत कहना गाइज व्हाट्सअप पे कॉल पे कि भैया प्राइसिंग वीडियो में कुछ और बताए थे और अब कुछ और, प्राइसिंग बढ़ ही रही है, दुकान वाले ने पहले बोल दिया आपके सामने। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले ग्राफिक कार्ड की तरफ, जो कि है 6060 सुपर। तो भैया क्या प्राइसिंग रहने वाली है 6060 सुपर की? 54000। और अब बढ़ते अपने अगले ग्राफिक कार्ड की तरफ। तो पहले आता है आपका एक और, रुको इसको साइड रखते गाइज, एक चीज़ और है, एक ग्राफिक कार्ड है इसका, जैसे ये 1650। तो इसका 1650 सुपर वेरिएंट भी आता है भैया, तो उसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है? 33000 रुपये। गाइज देख रहे हो प्राइसिंग कितनी बढ़ रही है। बाकी इस पर आ जाते हैं 1660 सुपर। तो भैया क्या प्राइसिंग है इसकी? 54000। हाँ तो गाइज ये हो गए यहाँ तक कवर, अब आते हैं कुछ नए ग्राफिक कार्ड में। तो भैया 3060 कितने का होने वाला है? लगभग 75000 के आसपास का। 75000 का पड़ने वाला है आपको 3060। और इनके पास थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक है, वरना मिल जाएगा, दिक्कत मतलब जब आप आओगे इस दुकान पर विजिट करोगे तो अरेंज करवा देंगे। बाकी अगले ग्राफिक कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, जरा इसको साइड करते हैं। फिर अगला ग्राफिक कार्ड है आपका 3070। तो भैया ये कितने का पड़ने वाला है कलरफुल 3070? 1,30,000। 30 मतलब 30? हाँ जी 30। ठीक है, तो 1,30,000 के आसपास ये पड़ने वाला है। सो चलिए इसे साइड करते हैं।
अब इसके बाद आता है आपका 3080। तो भैया 3080 क्या प्राइसिंग रहने वाली है? 1,85,000 के आसपास से रहने वाला है। फिर इसके बाद एक कार्ड बचता है जो कि आपका 3090। तो भैया 3090 ये कितने का होने वाला है? काफ़ी भारी कार्ड है, 2,75,000। और प्राइसिंग गाइस फिर बताना चाहूँगा, फिक्स नहीं है, प्राइसिंग ऊपर नीचे ज़रूर होगी जो कि बढ़ेगी। और गाइस ये तो खैर आपने कवर कर ही लिया, 1050 Ti और ये आपका 1030, इसकी प्राइसिंग भैया ने बताई दी है। फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ भैया, कितनी प्राइसिंग है इसकी 1030 की? 8,000। तो ठीक है भैया, 8,000 इसकी प्राइसिंग होगी। तो गाइस यहाँ पर सारे ग्राफिक कार्ड मैंने कवर कर लिया है। भैया एक चीज़ और बता दो, AMD के कार्ड क्यों नहीं है यहाँ पर? AMD के कार्ड अभी मिल ही नहीं रहे मार्केट में, आ ही नहीं रहे, तो इसलिए आगे से स्टॉक नहीं आ रहा है। तो मतलब AMD के कार्ड थोड़ा मुश्किल है अरेंज होना। तो गाइस देख लेना, AMD के कार्ड के जो आने वाला है वो थोड़ा देख लेना, बाकी NVIDIA जो भी मांगोगे वो सब मिल जाएंगे, या वरना अरेंज कर लेंगे, चाहे कितनी क्वांटिटी हो। अगर कोई 10-20 ग्राफिक कार्ड मांगते हैं तो अरेंज हो मिल जाएंगे। हाँ तो टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगा। हाँ तो मतलब अरेंज कर देंगे, इनके पास होंगे तो मतलब 10-20 ग्राफिक कार्ड के लिए भी मोस्ट वेलकम इस दुकान पर। बाकी AMD के लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, लेकिन गाइस अगर आप कुछ भी चाहिए ना सब कुछ मिल जाएगा। मदरबोर्ड है इनके पास, प्रोसेसर भी रखे हैं वहाँ पर, और अगर आपको माइनिंग से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो मिल जाएगी। देखो ये माइनिंग चीज़ें बनाते रहते हैं। तो इस वीडियो में बस यही बताना था, बाकी इन इन भैया का मैंने नंबर और इस दुकान का एड्रेस और रियल एलोकेशन सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ज़रूर विजिट करना गाइज। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी लाइक करें इस वीडियो को अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया।